जब तुम जिस काम को करते हो पूरी चेतना पूरा होश उस काम में लगा देते हो तो उस कार्य की कुशलता बढ़ जाती है, उसकी मात्रा बढ़ जाती है, आप थकते नहीं, आप ताज़ा बने रहते हैं, क्योंकि उसी काम में पूरी ऊर्जा लग गई है। भगवान महावीर से किसी ने पूछा कि धार्मिक व्यक्ति को क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, कृपया बताएं जिससे कि मैं उन्हीं कामों को करूं जिन्हें करना चाहिए, उन कामों को ना करूं जो मुझे नहीं करना चाहिए, और ताकि मैं धर्म के शिखर पर धर्म की पराकाष्ठा को उपलब्ध हो सकूं। भगवान महावीर ने जो वचन कहे बड़े महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसकी फिक्र बिल्कुल छोड़ दो। जो भी तुम्हें करना पड़े जिंदगी में उस कार्य को ही होश पूर्वक करो, यही ध्यान है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। जो कार्य करो उसको होश पूर्वक करो। और उन्होंने कहा आसुत्ता मुनि, यानी बिना सोए सोए अगर जिंदगी के कामों को करोगे तो तुम सच्चे मुनि हो जाओगे, यानी तुम परम आनंद को उपलब्ध हो जाओगे, कैवल्य को उपलब्ध हो जाओगे, निर्वाण को उपलब्ध हो जाओगे। तो तुम भी इसकी चिंता ना करो कि ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, भिड़े रहते हो, अंदर द्वंद में भरे रहते हो, सोचते हो ये नैतिक है, सोचते हो ये अनैतिक है, ना कुछ नैतिक है ना कुछ अनैतिक है, बस जो भी करो अगर तुम उसको होश पूर्वक करते हो तो वो नैतिक हो जाता है। अनैतिक कार्य भी तुम करो लेकिन अनैतिक कार्य को करते समय होश पूर्वक रहो। अगर होश पूर्वक तुम अनैतिक कार्य को करोगे तो अनैतिक कार्य अगर वास्तव में अनैतिक होगा तो तुम कर ही नहीं पाओगे, असंभव हो जाएगा। और जिस चीज को तुम ध्यान से जोड़ देते हो, जिस चीज को तुम होश से जोड़ देते हो, वो चीज पवित्र हो जाती है। मंदिर की मूर्ति इसीलिए पवित्र होती है कि तुम होश पूर्वक उस प्रतिमा को देखते हो। लेकिन तुमने आज तक देखा ही नहीं मंदिर की प्रतिमा को भी, कभी होश पूर्वक देखते हो प्रतिमा की ओर और विचार भरे रहते हैं कि मुकदमा जीतना पता नहीं होगा कि नहीं, लड़की की शादी होगी कि नहीं, लड़के को नौकरी मिलेगी नहीं, अपना मकान बनेगा कि नहीं। प्रतिमा तो आज तक तुमने देखी ही नहीं, पूरा पूरा होश पूर्वक देखा ही नहीं। प्रतिमा के दर्शन का अर्थ है जब प्रतिमा को देखो, देखते समय सिर्फ प्रतिमा सामने हो, बीच में कोई विचार ना आए, सिर्फ प्रतिमा और प्रतिमा और प्रतिमा, इस तरह तुम प्रतिमा को देखो। यही विज्ञान था प्रतिमा के पीछे, और कोई विज्ञान नहीं, बाकी तो सब राजनीति जुड़ गई उसके साथ। दर्शन करने तुम्हें आता नहीं, तो होश कोई अलग प्रक्रिया नहीं है जिसे अलग से करना है, जो काम करो उसी को ध्यान पूर्वक करना है। जैसे तुम भोजन कर रहे हो और भोजन करते समय कह दिया जाए कि आप राम राम जपो, तो भोजन करना और राम राम जपना बड़ी अड़चन पैदा हो जाएगी, बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी। तुम कहोगे भोजन करूंगी राम राम जपू, हमारे यहाँ परंपरा चली है कि भोजन करो तो राम राम जपो, समय खाली हो तो माला जपो राम राम जपो, कुछ भी काम करते रहो प्रभु का स्मरण करते रहो, तो ना तो प्रभु का स्मरण होता है ठीक से और ना काम होता है ठीक से, वो सब एक पागलपन पकड़ लेता है आदमी को। भगवान बुद्ध भगवान महावीर ने जो विज्ञान दिया उसका सार है कि भोजन करते समय चेतना सिर्फ भोजन पर केंद्रित रहे, भोजन करते समय होश पूरा का पूरा भोजन पर केंद्रित हो जाए तो भोजन करना ही ध्यान बन जाता है। और जिस तरह जो भोजन करता है व्यक्ति, उसके भोजन का स्वाद अनंत गुना बढ़ जाता है, और ऐसा व्यक्ति कभी बीमार पड़ ही नहीं सकता। अन्नैव ब्रह्म, अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने कहा जो इस तरह भोजन करता है उसके लिए भोजन अमृत बन जाता है, क्योंकि भोजन के साथ ध्यान जुड़ जाता है। जब तुम जिस काम को करते हो पूरी चेतना पूरा होश उस काम में लगा देते हो तो उस कार्य की कुशलता बढ़ जाती है, उसकी मात्रा बढ़ जाती है, आप थकते नहीं, आप ताज़ा बने रहते हैं, क्योंकि उसी काम में पूरी ऊर्जा लग गई है।
आपको पता है जब शरीर कुछ और कर रहा है और मन कुछ और कर रहा है, शरीर यहाँ है मन कहीं और है, तो एक तनाव पैदा होता है। उस तनाव का नाम ही थकान होता है। तुम काम करते हो, काम करने में तुम्हें थकान होती है। उस थकान का कारण सिर्फ इतना है कि जब काम कर रहे होते हो तो शरीर कहीं और मन कहीं और होता है। आपको पता है काम और खेल में क्या फर्क है? खेल खेल कर आप वापस लौटते हैं तो अद्भुत ताजगी और आनंद की आभा आपको घेर लेती है, और काम करके आप आते हैं तो थके हुए रहते हैं। कारण क्या है? कारण यह है सिर्फ इतना कि जब आप खेलते हैं तो खेलते समय आपकी सारी चेतना सारी ऊर्जा खेल में लगी रहती है, कहीं दूसरी जगह नहीं जाती, तो आपको अद्भुत ताजगी का अनुभव होता है और एक आनंद की रसधार आपके भीतर बहती है। इसलिए समझदार आदमी जिंदगी के कामों को खेल बना लेता है। जिंदगी के कामों को खेल बना लेता है समझदार आदमी, ना समझ आदमी खेल को भी काम बना लेता है, बोझ बना लेता है। और काम को खेल बनाने का एक ही तरीका है कि जिस समय जिस काम को कर रहे हो पूरी ऊर्जा उसी काम में उड़ेल दो। थोड़ा सा होश पूर्ण हो जाओ, थोड़ा सा समझदारी से काम करो। इस तरह जिंदगी के छोटे छोटे कामों को करते हुए ही आप पाएंगे कि आपकी जिंदगी की क्वालिटी बदलने लगी है। इसको बोझ न बनाएं, आदत को खेल खेल में बदल सकते हो। जैसे ही ध्यान कहीं दूसरी जगह चला गया, पछताने की जरूरत नहीं है, रिपेंट करने की जरूरत नहीं, फिर से वहीं आ जाओ और फिर से ध्यान लगाओ।